अब आता हूं अजय जी आपके पास। अजय जी बताइए, जवाब दीजिए, बहुत सारे सवाल हैं। पहले तो विद्यानंद जी धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने अच्छे सामयिक मुद्दों पर, जो राजनीति से प्रेरित भी है और कहीं ना कहीं तपस्या सब जो हमारे सांस्कृतिक ऐतिहासिक धार्मिक विरासत भी है। अलग बात है कि कुछ लोग धार्मिक गुरु के नाम पर गुरु घंटाल हो जा रहे हैं और राहुल गांधी जी के इस जन आंदोलन को एक मूवमेंट के तौर पे हम जो काम कर रहे हैं उसको भस्मासुर वाला अंदाज में कहीं ना कहीं परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी मैं कहता हूं कि ये भी उनके लिए स्वीकार है और मैं इसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो तपस्वी होता है उसमें कोई भी किसी भी तरह का छल प्रपंच नहीं, किसी भी तरह की ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव नहीं है, एक सेकंड, जनता के पास अब मुझे जाना पड़ेगा, इधर आता हूं। हाँ, भेदभाव नहीं है। राहुल गांधी जी यात्रा कह रहे हैं और कह भी रहे राहुल गांधी जी कि भेदभाव नहीं कर रहे हम। हमारा इनका तपस्वी सिर्फ संसद में आंख मारता है, आंख मारता है, मारता है। अरे यार ये क्या बात हो गई, अरे गलती से पलक झपक गई तो उसको क्या करें। तुलना समझ लीजिए, मोदी जी भी गए थे कुंभ नहाने, गए थे ना, वहाँ जो झाड़ू पोछा करने वाले थे, झाड़ू पोछा सबसे छोटे आदमी उनको बिठा के और उनके पैरों को पोंछ के और माथे पे लगाना, वो तपस्वी है, वो तपस्वी है। लेकिन इधर से आवाज आई है, जय श्री राम, जय हिंद, राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है, जोरदार। अरे ताली बजवा दूं कि नहीं बजा? नहीं बजाना, खुश हो जाएंगे। अरे भैया एक बार बजा दो राहुल गांधी जी के लिए, एक बार राहुल गांधी के लिए। चलो खुश हो तो थोड़ा सा, चलो राहुल गांधी जी तुम्हारा भी हक बनता, थोड़ा खुश हो लो। मगर आपको बताऊं, लेकिन राहुल गांधी जी से आप लोग ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं, कितने अच्छे व्यक्ति। ये आदमी बता रहा हूँ सर, हमारा युवराज है, वो युवराज है कांग्रेस का हाँ। अच्छा। और उसको विपक्ष से कहीं मत लेके जाओ, मोदी जी को दिक्कत होगा जीतने में। जब जब विपक्ष में राहुल गांधी को आगे करते हो ना, तो वो कहते हैं ना, भाई और बहनों पता करो उधर विपक्ष में कौन भाषण दे रहा है। जैसे लोग कहते हैं पप्पू भाषण दे रहा है, कहते हैं हम जीत गए हैं। अच्छा एक मिनट, वो जो आपने एक्टिंग किया, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, और वो हर्षल, अब थोड़ा हर चीज में भारत माता, एक सेकंड रुक जाओ, भारत तो हमारा ही है भाई, कोई छोड़ना ले जाएगा। इतना उतावले मत, इतने उतावले नहीं, बॉलीवुड में एंट्री नहीं मिलेगी। सही बात है, राहुल गांधी का स्टाइल पता क्या है सर, देखिए ये जो पक्षी है ना, ये भी बेरोजगार हो गए, पक्षी भी बेरोजगार होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हमारा साथ गधों ने भी दिया है, कुत्तों ने भी दिया। ए महाराज, भारत जोड़ो आंदोलन में कुत्ते और गधे कहाँ से आ गए? ए महाराज कहाँ से आ गए? कौशिक जी एक मिनट, अजय जी अब जरा कुछ और मेहमानों को। हाँ देखिए, राहुल गांधी को यदि सत्ता का लालच होता तो आज से 10 साल पहले वो मंत्री और प्रधानमंत्री बने होते, इस चीज को मान के चलिए। बन गए होते, बिल्कुल बन गए, छोड़ दिया उन्होंने, क्यों नहीं, मोह त्याग दिया क्या? ये कौन से तपस्वी हैं जो 8000 करोड़ का हवाई जहाज लेकर घूमते हैं? ये कौन से तपस्वी हैं जो 11 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं? अरे मैं तो समझ रहा था कि आप ही राहुल गांधी जी की तारीफ करेंगे। कौन से तपस्वी हैं कि 2 लाख का चश्मा पहनते हैं? ये कौन से तपस्वी हैं जो 2 लाख का घड़ी पहनते हैं? ये तपस्वी हैं। अरे तपस्वी और साधक का मतलब ये होता है कि इन सारे सुविधाओं से मोह माया त्याग करके वो चल जाए हिमालय के कंदराओं में और जाके तपस्वी करे। रेड कार्पेट पर चलने वाले लोग तपस्वी नहीं होते हैं, वो सत्ता के लालची होते हैं और वो इस तरह से सत्ता में धर्म का इस्तेमाल केवल सत्ता बनाए रखने के लिए करते हैं और कुर्सी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, वो धर्म के लिए कर रहे हैं तो बाकी लोग किस चीज के लिए कर रहे हैं? अजय भाई ये बताइए। देखिए हरियाणा में एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। अच्छा तो हरियाणवी में भाई आज कुछ कह के सुनाओ, भाई हमारे शेरावत है तो कुछ हरियाणवी में हो जाए। हाँ। तो मैं राहुल गांधी भाई को यही कहना चाहता हूँ कि भाई पहले मेटल क्रिएट कर, मजबूत बन, दूध घी खा, पहलवानी कर, और उसके बाद अपना मानसिक संतुलन ठीक कर, और उसके बाद कुश्ती में, अखाड़े में, फिर इंटेलेक्ट पे बात करते हैं। राहुल गांधी जब अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो जाकर के केरल से शुरू करते हैं। केरल में हमारे ओबीसी के सेक्रेटरी की हत्या करी सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने। अच्छा। लेकिन उसके घर नहीं जाते हैं। हाँ। उसके बावजूद ये आगे बढ़ते हैं, ऐसे पादरी के घर जाते हैं जो कहते हैं कि अगर मैं पैर भारत की जमीन पर रख दूं तो मेरा पैर मैला हो जाएगा। महाराष्ट्र में घुसते हैं तो सावरकर के खिलाफ बोलते हैं। आए दिन कभी हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी आज तपस्वी बनने चले हैं। आज बढ़िया तपस्या नहीं करे राहुल गांधी भैया, तपस्या कीजिए लेकिन राजनीतिक इंटेलेक्ट भी तो बढ़ाइए।